हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट वन का वीडियो है, इसके बाद में हमारा पार्ट टू का वीडियो आएगा और ऐसे प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो 100% पक्का आपके 2025 के पेपर में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों और दोनों का मैं प्रश्न सहित उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही सेकंड लगेगा, और वीडियो को एक लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड है, भाई है, बहन है, जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हों और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया हों, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का होता है, इसमें हमारा राइट आंसर आएगा कि जो राइट आंसर होगा ना इन चारों विकल्प में से, वही करेक्ट आंसर आपके इस ऑप्शन में बैठेगा। तो यदि आपको पता है तो इसका आंसर दीजिएगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगा। तो सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का क्या होता है? विकास होता है। तो इनमें से का वाला राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा कि यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में, कोई वस्तु है, वस्तु के मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तु की मांग होगी, क्या होगी? इकाई के बराबर लोचदार, इकाई से कम लोचदार, पूर्णतया लोचदार या पूर्णतया बेलोचदार। तो इनमें से जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग, अभी तक जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है खासकर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको हमारा टॉपिक वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है। टॉपिक वाला वीडियो हमने बना दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो है, तो वो देख लेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि जिन स्टूडेंट को अभी तक कुछ नहीं पता है और अभी शुरुआत किया है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इकाई के बराबर लोचदार हो जाएगा, जो कि दूसरे क्वेश्चन का सही विकल्प है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तित होते हैं या परिवर्ती होते हैं? सभी होते हैं, कोई नहीं, कम से कम एक या असीमित। तो तीन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम एक होते हैं, ना कि भैया सभी, कोई नहीं, और कम से कम एक। इसमें अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो कम से कम एक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आपको आवाज़ जो है स्टूडेंट भनक कर आ रही होगी क्योंकि बाहर काफ़ी शोर शराबा चल रहा है, इसीलिए वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा वॉइस को क्या है इग्नोर कीजिएगा, और क्या है वॉइस को थोड़ा आप प्लीज़ जो बैकग्राउंड की आवाज़ है उसको इग्नोर कीजिए, वॉइस को आप हमारी सुनिए बस। चार नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, यानी इनमें से कोई एक है जो पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। ऑप्शंस में देख सकते हैं, चार आपके समक्ष ऑप्शंस उपलब्ध हैं, इनमें से एक विकल्प सही है जो कि कीमत विभेद हो जाएगा, जो कि गा वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, कीमत विभेद, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर की दृष्टि से तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए और मॉडल पेपर को भी सॉल्व कीजिए। हम अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर की भी वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए, ठीक है। उसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, प्रीव्यू पेपर और जो न्यू 2025 का पेपर है उसको भी आप अच्छे से देखिए और उसको तैयार कीजिए, ठीक है। देखिए, उसके बाद में आप हमारे एक वीडियो और भी लेकर आया हूँ बेस्ट टाइम टेबल का, वो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा कि किस हिसाब से हमें बचे हुए महीनों में तैयारी करनी है, हमारा शेड्यूल क्या रहेगा कि तैयारी अच्छे से हो पाए हर एक सब्जेक्ट की, और हमें 95% प्लस लेकर आना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगा नीचे, नहीं तो आप YouTube पर देखेंगे तो मिल जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है अधिपूर्ति, अधिमांग, न्यूनतम कीमत या उच्चतम कीमत, तो इनमें से अधिमांग हो जाएगा सही विकल्प। अगला है,
छः नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं की बात हो रही कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है इसका अंग नहीं है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक अर्थव्यवस्था हो जाएगा जो कि इसका अंग नहीं है, एक अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सात नंबर कि एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है, एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित क्या करती है? उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत, या इनमें से सभी। तो सात नंबर क्वेश्चन का घा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी प्रभावित करती हैं, यानी उपभोक्ता की आय भी प्रभावित करती है, वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है, बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आठ नंबर, सीमांत लागत वक्र का आकार होता है, क्या होता है? यू आकृति का, वी आकृति का, एल आकृति का, या सी आकृति का। तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, इसको मैंने काफ़ी बार अपने जो ज्योग्राफी के जो मॉडल पेपर है उसमें बता चुका हूँ। फिलहाल इसका राइट आंसर आप लोग समझिए, नहीं पता है तो जान लीजिए क्योंकि पेपर में आएगा। ठीक है, तो आठ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यू आकार का होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए नौ नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो भैया जो वस्तु की कीमत निर्धारित करता है, यहाँ पर आप समझेंगे थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा, एक उद्योग। ठीक है भैया, एक वस्तु का कीमत कौन निर्धारित करता है? उद्योगकर्ता निर्धारित करता है। नौ नंबर का घा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दस नंबर, फर्म का उद्देश्य अपने, यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसमें आएगा अपने को अधिकतम करना है, क्या करना है? लागत को, लाभ को, या सभी, या उत्पाद को। तो 10 नंबर का खा हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को आप पढ़िए कि फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। अब देखिए कितना सटीक बैठ रहा है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पेपर में पूछा जाएगा, जो कि चार विकल्प के थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताना है, और आपके पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी एक प्रकार से नॉलेज होगा, और शुरुआत में ही ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एग्जामिनर को भी नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि बच्चे को आता है क्वेश्चन का आंसर देना, और उसने जो पूरा पेपर को सॉल्व किया है बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 12 नंबर कि मांग के नियम द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा, कोई वस्तु है उसकी मांगी गई मात्रा तथा इसकी कीमत के बीच व्यक्त किया संबंध कैसा होता है? भैया जो व्यक्त किया गया संबंध है ये कैसा होता है ये आपको बताना है, धनात्मक होता है, विपरीत होता है, स्थिर होता है, या इनमें से नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत होता है। ठीक है, थोड़ा आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा में पूछा गया है, लेकिन ऐसे ही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसका आंसर आपको ऐसे ही देना होगा। आप लोग स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हमारे छात्र हैं तो आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले एक पोल डाला था, ठीक है, अपनी यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें काफ़ी विद्यार्थी ने गलत आंसर दिया था। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट में कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जनक कौन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, क्या होता है? यू आकार का, वी आकार का, छेद सरल रेखा, या उद्र रेखा। भैया 13 नंबर का यू आकार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाभ अधिकतमीकरण से या अलाभ अधिकतमीकरण में लागत होती है, क्या होती है? कम से कम, अधिक से अधिक, बहुत अधिक, या शून्य। तो 14 नंबर का कम से कम हो जाएगा भैया, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का
का वाला सही विकल्प। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा आप देख लीजिए। और देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि पेपर में यही गलती काफ़ी विद्यार्थी करते हैं, फिर बाद में उनको क्या है नुकसान होता है और एक दो नंबर कट जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की आय अधिक होने पर वे वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं, क्या करते हैं व्यय करते हैं, कहते हैं क्या है निम्न स्तरीय, ये सभी सामान्य या उच्च स्तरीय, चार ऑप्शंस हैं। 15 नंबर का ऑप्शन आपका सामान्य हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं दुर्लभ साधनों के प्रयोग, इसी में राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक, सीमित, शून्य, निश्चित। तो इनमें वैकल्पिक हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए वैकल्पिक। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए कि दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब एक नंबर आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने क्वेश्चंस के आंसर को बैठा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी, कमी होगी या स्थिरता या से भी या वृद्धि। तो 17 नंबर का राइट आंसर मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज में बताया, पिछले साल भी बताया था और इस वर्ष भी बता रहा हूँ, पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, चाय, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय की कीमत में, ठीक है, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी, कमी ही होगी ना। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है, क्या होता है न्यूनतम होता है, शून्य हो जाता है, अधिकतम होता है या इनमें से नहीं। ठीक है, तो 18 नंबर का राइट आंसर अधिकतम हो जाएगा, जब सीमांत उत्पादन क्या है शून्य होता है यानी जीरो हो जाता है तब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स का 19 नंबर कि समरूप वस्तु ब्रेकेट में है, उत्पाद इस बाजार की विशेषता है, किस बाजार की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता की, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार या एकाधिकार। तो 19 नंबर का आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, जो कि समरूप वस्तु उत्पाद इस बाजार की विशेषता है। ठीक है, तो 19 नंबर का आपका का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, उपभोक्ता का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है, क्या करना है, प्रतिमान को, संतुष्ट को, अनिधिमान को या चुनाव को। ठीक है, तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनिधिमान हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनिधिमान। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर सटीक कैसे बढ़ जाएगा कि उपभोक्ता का उद्देश्य अपने अधिमान को अधिकतम करना है। ठीक है, तो सटीक आंसर बैठ गया। तो इसमें मैंने 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी के लिए स्टूडेंट लेकर आया था। अब हम चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके इकोनॉमिक्स में 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है पार्ट 1 से संबंधित। ठीक है, चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय का सबसे पहला प्रश्न पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, कि श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों। ठीक है, ये आपके पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है, टोटल 8 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका आंसर देख लीजिए। इसको लिखना चाहिए तो कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं। उत्तर है कि श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर क्या है प्रवणता, यहाँ पर देखिए प्रवणता वाला होता है, ऊँची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला हो जाता है, ये वह है प्रवणता वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर देख सकते हैं, थोड़ा छोटा में आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन भैया इसका काम 3 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि 3 नंबर में आपको क्या करना होता है, कितने शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है, ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए इसका शब्द सीमा जो होता है केवल क्या होता है 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को देना होता है, जो कि होता है। लेकिन ये नहीं है कि भैया 50 शब्दों में ही लिखेंगे तब आपको 3 नंबर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आप पर्याप्त लिखते हैं, मान लीजिए कि 2 लाइन में भी उसका आंसर है आपने लिख दिया है, तो 3 नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, यदि आपने कॉपी वाला कोई वीडियो नहीं देखा है हमारा तो जाकर देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है कॉपी में। ठीक है, और पूरा नंबर एग्जामिनर आपको देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के दो पारिभाषिक लक्षण बताइए। दो पारिभाषिक क्या है, हमें लक्षण बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर है कि एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के पारिभाषिक लक्षण निम्न प्रकार से हैं। तो इसके बारे में हमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, लिखना है, ठीक है। तो निम्न प्रकार से हैं, तो दो हमें लिखना है। सबसे पहला देखिए, ठीक है, सबसे पहला है कि बाजार में बड़ी संख्या, ठीक है, बाजार में बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या में क्रेता, संख्या में क्रेता, ठीक है, क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। एवं कौन होता है भैया, विक्रेता, क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता जो बेचता है, ठीक है, विक्रेता होते हैं, होते हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर आपने इतना देख लिया, उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है कि यहाँ पर दूसरा आप इस तरह से लिख दीजिए कि प्रत्येक फर्म, प्रत्येक थोड़ा बड़े में है, प्रत्येक फर्म, ठीक है, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का, एक रूप वस्तु का, वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, उत्पादन एवं विक्रय, विक्रय करती है, ठीक है, करती है, करती है, अर्थात एक फर्म, अर्थात यहाँ पर देखिए, अर्थात एक फर्म, ठीक है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद, के उत्पाद, ठीक है, एक फर्म के उत्पाद, यहाँ पर इतना समझ में आ गया, उत्पाद तथा किसी, तथा किसी, ठीक है, यहाँ पर देखिए तथा किसी अन्य फर्म, किसी अन्य फर्म के, फर्म के उत्पाद, ठीक है, उत्पाद में भेद, में भेद नहीं किया जा सकता, नहीं नहीं किया जा, नहीं किया जा सकता, ठीक है। थोड़ा ये लंबा हो गया दूसरा वाला, जो इसमें लक्षण था, दूसरा वाला लक्षण थोड़ा लंबा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीन नंबर क्या दिया हुआ है, तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए। हमें क्या करना है, जो स्थिर लागत है और परिवर्ती लागत, इसमें भेद बताना है। तो उत्तर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए उत्तर है, स्थिर लागत वो लागत होती है जो उत्पादन की लागत के साथ घटती बढ़ती नहीं है, ये पूरक लागत भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है भैया, पूरक लागत भी कहलाती है। परिवर्ती लागत वो लागत है जो उत्पादन की मात्रा के, यहाँ पर देखिए दोनों का भेद बताया गया है, परिवर्ती लागत वो लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। किसी व्यवसाय में परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो लागत लगाई जाती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद क्या है, ठीक है, दोनों में बताया गया, इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मांग वक्र की दाईं ओर, ठीक है, खिसकना क्या दर्शाता है, ठीक है, ये आपको बताना कि भैया इसके ओर खिसकना क्या दर्शाता है, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। मांग वक्र के बारे में बात हो रही है और चैप्टर टू का ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, जो चैप्टर टू है ना आपका, कौन सा चैप्टर टू का नाम आप लोग बताइए, चैप्टर टू का नाम है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जो कि चैप्टर टू है और उसी से लिया आपका ये क्वेश्चन गया कि मांग वक्र के दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। तो इसका मैं थोड़ा लिखकर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना इस तरह से लिखेंगे, मांग वक्र का
दाई ओर खिसकना ये दर्शाता है, दाई ओर खिसकना, दाई ओर खिसकना, ठीक है, यह दर्शाता है, ये दर्शाता, ठीक है, ये दर्शाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, दर्शाता है कि वस्तु की अपनी वस्तु, वस्तु की अपनी कीमत में, अपनी कीमत में बिना, कीमत में बिना, कीमत यहाँ पर देखिए, कीमत में बिना किसी, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के वस्तु, परिवर्तन के वस्तु, ठीक है, परिवर्तन के वस्तु की मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा, ठीक है, मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो इतना आपने समझ में आ गया कि मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। तो मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना यह दर्शाता है कि वस्तु किसी, यानी आप देखिए कि वस्तु की अपनी कीमत में बिना किसी परिवर्तन के वस्तु में मांगी हुई मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उत्पादन संभावना सीमा क्या है। अब इसके बारे में उत्तर देख लीजिए इसका, कि उस इसमें है कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना, ठीक है, उत्पादन संभावना सीमा क्या है, इसके बारे में हमें बताना है कि इसकी सीमा क्या है, ठीक है। इसके बारे में जब हम बता देंगे तो इसका आंसर देखिए क्या है कि उत्पादन, ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, उत्पादन संभावना सीमा दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है जिनका सबसे पहला है कि उपलब्ध संसाधनों तथा दूसरा है वर्तमान, देखिए वर्तमान तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो उत्पादन संभावना सीमा को दर्शाता है जो कि मैंने बता दिया है। तीन नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट वन के, ठीक है, जो सेक्शन ए के, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी मैंने जो है अति लघु उत्तरीय पर क्वेश्चन पर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छः नंबर की व्यष्टि आर्थिक अध्ययन के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। हमें इसके क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, दो उदाहरण को देना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दो उदाहरण को, डायरेक्ट दो उदाहरणों को इसका देना है, फालतू कुछ करना तो है नहीं। तो देखिए, वस्तु बाजार में कीमत, वस्तु बाजार में कीमत, ठीक है, कीमत निर्धारण का अध्ययन, निर्धारण, ठीक है, इतना समझ में आ गया, निर्धारण का अध्ययन, ये सबसे पहला उदाहरण हो गया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देखिए कि उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन, बस इतना ही था, उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन, ठीक है। तो ये व्यष्टि जो आर्थिक अध्ययन के दो उदाहरण है जो कि हमने बता दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है कि बाजार मांग से क्या अभिप्राय है, बाजार मांग से हमें इसका अभिप्राय क्या है ये बताना है। उत्तर देखिए, उत्तर है कि बाजार में किसी वस्तु के सभी क्रेताओं द्वारा की गई कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं, यानी कोई भी क्रेताओं हैं द्वारा की गई कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इतना इसका आंसर था, तो तीन नंबर इतना भी इस पर भी देगा, ठीक है, जितना इसका आंसर होता है क्वेश्चन बैंक बुक में उतना आपको नंबर दिया जाता है, बस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सटीक, ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, न्यूनतम निर्धारित जो कीमत है ये किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। उदाहरण के साथ समझिए, कृषि समर्थन,
कीमत कार्यक्रम और न्यूनतम मजदूरी विधान आदि ये होते हैं न्यूनतम निर्धारित कीमत। ठीक है, किसे कहा जाता है इसके बारे में देख सकते हैं और उदाहरण के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो को रोक कर आराम से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।